नमस्कार। आज की साक्षरता पत्रिका के पन्ने हम खोलते हैं मध्य प्रदेश की इस प्राचीन नगरी उज्जैन से, जहाँ की हवाओं में आज भी भारतीय संस्कृति की महक आती है। जहाँ राजा रजवाओं का डेरा था और देवी देवताओं का बसेरा था, ऐसा लगता है उज्जैन की इस नगरी में कभी ज्ञान और काम की कमी नहीं रही होगी। लेकिन समय के बदलते दौर ने साक्षरता से लोगों को बहुत दूर कर दिया, किंतु साक्षरता मिशन ने कड़ी मेहनत की और आज यहाँ की हालत शिक्षा के मामले में सुधरी है। और आज यहाँ के जन शिक्षण संस्थान से व्यावसायिक और तकनीकी रोजगार मूलक शिक्षा पाकर सुना रहे हैं ये युवक और युवतियाँ अपनी जीविका की कहानी। मैं संजय भरंग, मैंने उज्जैन जन शिक्षण संस्थान से कजली पेंटिंग का कोर्स किया है और अब मैं वो काफ़ी यूज़ में आ रहा है। काफ़ी लोग जो जिनकी बड़े बुजुर्ग लोग डेथ हो जाती है, वो लोग हमारे पास आते हैं और उसको डेवलप करवाते हैं, इससे काफ़ी इनकम हो जाती है और महीने में 2-4 पेंटिंग इस टाइप की बन जाती है। इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा हुआ हूँ। मैंने भी यहाँ से कजली पेंटिंग सीखी है और इसका उपयोग मैं भी उन्हीं की तरह कर रहा हूँ। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि जिसकी डेट हो जाती है उनके फ़ोटो बड़े करवाते हैं और आजकल कजली का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। महीने में 3-4 बना लेता हूँ, इससे मेरे को एक फ़ोटो से 200-250 रुपये मिल जाते हैं। जी, मेरा नाम श्रद्धा चौहान है। मैंने जन शिक्षण संस्था से ये कोर्स कजली पेंटिंग का कोर्स किया है। मैं ये कोर्स करके दूसरों को सिखाना चाहती हूँ ताकि वो भी अपनी आय प्राप्त कर सके। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, जो अपनी दूसरों को अपनी आय का मौका मिलता है। मैं भी महीने में 2-3 बना लेती हूँ और सबको इससे आय प्राप्त होती है। अच्छी अच्छी पेंटिंग है ये। मेरा नाम शिवपाल सिंह चावड़ा, मैं जन शिक्षा संस्था उज्जैन से कजली पेंटिंग सीख रहा हूँ और ये मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि इससे मेरा ऊपरी खर्च निकल सके, जो कि स्कूली खर्च है, ताकि वो घर वालों पे बोझ नहीं आए। मैं यहाँ पर कजली पेंटिंग सिखाती हूँ। मेरा नाम सीमा है और यहाँ पर लगभग 15 स्टूडेंट कजली पेंटिंग सीख रहे हैं और ये सीखने के बाद बहुत अच्छे से आमदनी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 घंटे तक सिखाती हूँ रोज और यहाँ पर बहुत कम फीस है इसकी, केवल 60 रुपये, और 1 महीने का कोर्स है इसका। इसमें 6B की पेंसिल से शेडिंग सिखाए जाते हैं, उसके बाद ग्राफ से चित्र बनाए जाते हैं और उसमें फिर शेड दिए जाते हैं। ये 6B पेंसिल से करते हैं, उसके बाद कजली पाउडर से करते हैं इसको। तुअर की दाल की जो लकड़ी होती है उसे जलाकर कजली पाउडर बनाया जाता है और उससे इसमें शेडिंग की जाती है। उज्जैन एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। यहाँ पर ये पेंटिंग बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित है और यहाँ पर सभी लोग भगवान की एक कुछ भी बड़ा कर बनाना चाहते हैं, जो कजली पेंटिंग में बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। Thank you.
जन संस्थान में मैंने उज्जैन में ये कोर्स मैंने ही शुरुआत की है और इस कोर्स से ये लघु उद्योग सब स्त्रियां या बच्चियां अपने घर में उद्योग के रूप में चला सकती हैं। ये सब वेस्ट मटेरियल से बनता है, जितनी भी पॉलिथीन थैलियां हैं वो उपयोग में आती हैं, घर के जितने भी कपड़े हैं वेस्ट कपड़े पुराने वो उद्योग में आते हैं। इसे घरेलू धंधा भी चला सकती हैं, घर में भी खोल सकती हैं, इसे बहुत फायदे हैं, घर उपयोग के लिए भी यूज में ले सकती हैं। जन शिक्षण संस्थान समिति में उज्जैन में मैं हिंदी का कोर्स मैंने अभी सिखाया है और इसमें अरेबियन स्टाइल है, मारवाड़ी स्टाइल है और इस ग्रुप में 15 लड़कियां हैं जिन्हें मैं ये पूरा सिखा रही हूँ और इससे ये सीख करके ये अपना खुद का कुछ आय इसमें प्राप्त कर सकती हैं। शादी वगैरह में ये जा करके ये अपना यहाँ से सीख करके खुद बना सकती हैं और इससे इनको अच्छी खासी आय हो सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर सॉफ्ट आइस का भी सिखाती हूँ जो कि जिसमें मंकी बियर डॉग हैंगे इसमें, इसके अलावा भी और छोटे छोटे सॉफ्ट आइस और हैंगे इसमें। इसके अलावा मैं यहाँ पर ब्यूटीशियन का प्रोफेशनल और सेल्फ कोर्स दोनों करवाती हूँ। यहाँ पर ये जो ब्यूटीशियन का कोर्स है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाया जाता है जिससे कि लड़कियां अपना खुद का खोल सकती हैं, पार्लर खोल करके अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकती हैं। मेरा नाम सपना जैन है, मैं यहाँ पे मेहंदी, थर्माकोल पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग ये सब कोर्स मैंने यहाँ पे किए हैं और टाई एंड डाई भी, और मैं इसमें मेहंदी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं शादी पार्टी वगैरह में बनाने भी जाती हूँ और इससे मुझे अच्छी आय हो जाती है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पर थर्माकोल पेंटिंग और फैब्रिक पेंटिंग सिखाता हूँ जिससे लोग अपना रोज़गार इनको मिल सके, बनाकर इनको सेल कर सके और अपना जीवन स्तर थोड़ा सा ऊपर उठा सके। कढ़ाई, फैब्रिक पेंटिंग और ड्राइंग, कजली पेंटिंग वगैरह सिखाती हूँ और यहाँ पे ये सीख के लड़कियाँ अपना रोज़गार स्थापित करेंगी और अपने पैरों पे खड़ी होंगी और इनका आगे थोड़ा सा और हौसला बुलंद होएगा इसे सीखने में और ये अपना रोज़गार स्थापित कर सकती हैं मैडम। और मैं बालवाड़ी का संचालन भी कर रही हूँ और बालवाड़ी में करीब 40 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे और वो भी पढ़ रहे हैंगे, बहुत गरीब तबके के बच्चे हैंगे वो लोग और उनका संचालन यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जन शिक्षा केंद्र के द्वारा हो रहा है। यहाँ की हमारे
जन शिक्षण संस्थान में हम लोगों ने फीस बहुत ही कम रखी है कि निम्न वर्ग के लोग, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें एवं अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकें, अपनी रोटी रोजी की जुगाड़ कर सकें। हमारा असली मकसद है कि शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा को जोड़ना, जिससे स्वरोजगार प्राप्त करने में उन लोगों को सुविधा हो सके और जिससे वो अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इन सबको अच्छी तरह से मिलाए हमारे, ये मिला ली, मिक्स अच्छा होने के बाद धीरे धीरे ये जो हमने पानी में डाल के घोल तैयार किया है सलेरी का, ये धीरे धीरे डालते जाएंगे। कपड़े धोने के लिए तो रंगीन हो या सफेद हो, लेकिन रंग डाल के हम इसको रंगीन कर सकते हैं। इसका रंग बाजारों में मिलता है और ये सब चीजें भी बोरों की दुकानों पे आसानी से हमको मिल जाती है। ये अब तैयार हो गया है डिटर्जेंट पाउडर, इसको चलनी की सहायता से हम 2-3 बार अच्छी तरह से छान लेंगे तो पूरी तरह से आप मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और हमारे कपड़े अच्छे बढ़िया साफ हो सकते हैं। मेरा नाम रिंकू अहमद है, मैंने जन शिक्षण संस्थान उज्जैन से होम पेंटिंग का कोर्स किया। इसकी फीस है 60 रुपये और बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए एक स्क्रीन बनती है, उसके लिए सिर्फ 3 दिन लगते हैं और उसके बाद कलर से, इसके कलर अलग से आते हैं, उससे ये बनाया जाता है। और ये बेडशीट सिर्फ 1 दिन में बनी है और इसे बनने के बाद सुखाया जाता है और उल्टी तरफ से दूसरा कपड़ा रखकर प्रेस की जाती है, तभी इस तरह से उभरी हुई दिखाई देती है। इससे पहले ये बिल्कुल प्लेन कलर जैसी दिखाई देती है। ये यहाँ के गुरुजी है और साक्षरता अभियान के अंतर्गत इन लोगों को पढ़ाने का काम कर रही है। जन शिक्षण संस्थान उज्जैन और जिला साक्षरता समिति उज्जैन के दोनों के सहयोग से यहाँ पर महिलाओं के लिए, मुस्लिम इलाके की महिलाओं के लिए महिला सिलाई का कोर्स यहाँ पर चलाया जा रहा है। 3 महीने का कोर्स है। इसका उद्देश्य यह है कि ये महिलाओं को अभी पढ़ने के साथ साथ कौशल विकास के काम में भी जोड़ा जाए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ साक्षरता अभियान के साथ साथ ये लोग कौशल अर्जित कर, हुनर अर्जित कर स्वरोजगार और अपने आर्थिक विकास के लिए अभी से सोच सके, समझ सके और इस दिशा में आगे बढ़ सके। ये इलाके में करीब 4 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से रेहाना है, नजमा है जो कि इनका क्लासेस को संचालन कर रही है, और बखूबी 70-80 लड़कियाँ महिलाएं इस साक्षरता अभियान में और जन शिक्षण संस्थान उज्जैन के माध्यम से सिलाई कौशल के काम को सीखने में आगे आई है। मैंने जन शिक्षण संस्था से कोर्स करा 3 साल पहले और आज मैं मोटर वाइंडिंग का अच्छी तरह सफलता से कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को संस्था से अच्छा सहायता मिली। मैंने माँ गायत्री नामक माँ गायत्री वर्ष नाम दुकान रिवाइंडिंग की डाली मोटर दी, आज मैं कार्य कर रहा हूँ, सीजन में अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। जन शिक्षण संस्थान है ना, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट निकला था कि हम स्किन पेंटिंग सिखाते हैं। मैं इंटरेस्ट था बहुत साल पहले से, तो मैं जाके वहाँ की जगह एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद काम का शुरू किया तो मुझे जो दिक्कतें आती थी, तो काफ़ी समय से मैं कोशिश करता था कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, तो वो दिक्कतें यहाँ हल हो गई मेरी। और हल होने के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने एक छोटी सी मशीन ली जिसमें एक्सपोज करते हैं, हम 4 ट्यूब हैं उसमें, वो लेकर के अपना काम शुरू किया।
और शुरू करने के बाद फिर धीरे धीरे ये एक मशीन ये ली जो पास में है, तो उसके बाद अपना काम शुरू हुआ और उससे आमदनी होती गई। शिक्षण संस्थान का बहुत बहुत आभारी है उसने कि उसने काम सिखाया और कई लोग तैयार हो गए जगह जगह, नहीं तो उज्जैन में रेयर लोग थे ना साहब, उज्जैन और आसपास के एरिए में जिले में लोग नहीं मिलते थे, स्क्रीन प्रिंटिंग एक ट्रेड सीक्रेट था ना, इसलिए वो अब आजकल ओपन सीक्रेट आ गया। अब हमारे पास भी कोई आता तो हम सिखा देते हैं कि सीखो भाई है ना, व्यवसाय मिलेगा तुमको, हम उसका कुछ उससे पैसा कौड़ी नहीं लेते। अब धीरे धीरे हमने प्रेस डाला, एक दुकान ली, फिर दो दुकान ली, फिर तीसरे ली, ये चौथी दुकान है जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग है, यहाँ मिलती गई हमें, चलता गया काम, सब लोगों की कृपा है। समीप विद्यापीठ करके संस्था आई थी यहाँ पर उज्जैन, जो कि संकेरा धर्मशाला देवास गेट पे, उन्होंने वहाँ से फार्म भरवाया था उनको, और वहाँ से भरने के बाद फिर अपने सेक्ट पे ट्रेनिंग के लिए कोर्स करा मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रिक की दुकान डाली थी भाई साहब ने, वो चल नहीं पाई, थोड़ा पूंजी की आवश्यकता पड़ी, तो अपने इंदौर बैंक से मैंने लोन लिया। वहाँ से मतलब प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना से, वहाँ से प्राप्त करने के बाद ये थोड़ा बढ़ाया मैंने कारोबार अपना, मेरी हिम्मत बढ़ी मतलब कि मैं काम कर सकता हूँ। धीरे धीरे काम करते गया मैं, उससे मेरी हिम्मत और बढ़ी कि मतलब और भी मतलब दूसरे भी काम भी कर सकता हूँ, आय भी बढ़ी। जन शिक्षण संस्थान से बहुत सहायता मिली मेरे को और बहुत फायदा हुआ, वैसे तो उनका तो आभार मानना चाहिए मेरे को। जैन शिक्षण संस्थान से कोर्स किया और उसके बाद मुझे जॉब मिला और अभी 3000 रुपीज़ पर मंथ कमाऊँ। मैं जैन शिक्षण संस्थान का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे अच्छा शिक्षा दी। अगर मैं बाहर से करता तो वही मेरे को ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं, और अब मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ शिक्षण संस्थान से करा कोर्स, तो अब अपने पैरों पर खड़ा होकर काम कर रहा हूँ। मेरा नाम कमल किशोर मालवी है, मैं जैन शिक्षण संस्थान उज्जैन से कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स यानी ये मतलब कंप्यूटर को रिपेयरिंग करना, इसका मेंटेनेंस रख रखा है। मैंने यहाँ पे ये मान के चलिए कि मैं एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, क्योंकि मुझे एक एजुकेशन के बाद कुछ धंधा या नौकरी वगैरह की ज़रूरत थी मुझे। मैंने शमीक विद्यापीठ का फ्रेंड से सुना, जो कि अब जन शिक्षण संस्थान उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, और वहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही सस्ते में कोर्स होता है, तो वहाँ पर 4 महीने का कोर्स था, मैंने किया। उसके बाद में मुझे डिजिटॉनिक्स में, जो निर्मल भटनागर की संस्थान है, वहाँ पे मुझे 4000 रुपये सैलरी मिलती है, वहाँ मैं सर्विस करता हूँ। पहले तो हम सर्विस करते थे, सर्विस करते हमारे घर के लोग जो है हाथ के एक पत्ते के धोने के बनाते थे, तो उससे क्या हुआ कि धीरे से मशीन आई जब मार्केट में, तो आई एम टोटल मैकेनिक। हम मैकेनिक होने के वजह से थोड़ा सा हमने किया कि भाई मशीन होना चाहिए, तो हम मशीन खरीदा एक बाज़ार से मशीन खरीदने के बाद फिर मैकेनिक होने के नाते मैं उसको रिपेयर्स और टोटल पुर्जे की जानकारी मुझे होने लगी। तब मैंने फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे धीरे से 5 मशीनें इस यहाँ मतलब डाली, उसको 5 मशीनों को मैंने चलाया कम से कम 5 साल। उसके बाद योग से कहीं सिद्धार्थ जैन साहब का इधर राउंड हुआ,
और उनको जब पता लगा कि भाई यहाँ दोनों निर्माण में मशीनें चलती हैं, तो आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि भाई हमारे अंडर काम करोगे, तो हमने कहा श्रीमान अगर आप मौका देंगे तो क्यों नहीं करेंगे हम। तो फिर उसके बाद कुछ 6 महीने के अंतराल के बाद फिर जैन साहब ने मुझे बुलवाया और मुझे फिर ढाबला गांव रेवारी में ये 22 महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया। वहाँ से फिर जो मशीन निर्माण के पैसे मुझे मिले तो उससे मैंने लेथ मशीन डाल दी और उससे मैं मशीन निर्माण के क्षेत्र में पहुंच गया। मतलब जानकी लाल जी चौहान का जो काम रहा है वो टोटल दोना पत्तल बनाने तक का काम रहा था। उसके बाद हमारी अपनी कल्पना थी कि इस काम को जानकी लाल जी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपना काम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमने उनको पूरा मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया और विभिन्न योजनाओं के जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ट्राइस्टेम योजना और भारत सरकार की ट्राइस्टेम योजना के अंतर्गत हमने 22 महिलाओं को ढाबला रेवाली गांव में ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया। महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम था, इसलिए हमें कोई महिला या युवती की जरूरत थी। तो संतोष इस मामले में पिछले 5-7 साल का अनुभव रहा है उसका दोना बनाने का, तो हमने उसे एज ए दोनों को समान रूप से उस क्षेत्र में भेजा और उन्होंने पूरे मनोयोग से महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया और वो आज खुद बनाने की स्थिति में आई है, जो कि मजदूरी करने के अलावा दोना पत्तल भी बनाने का काम करती है। ट्राइसेम योजना के तहत जब महिलाओं ने 1.5 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके बाद में ट्राइसेम योजना के अंतर्गत उनको DRDA से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से महिलाओं को अल्प बचत समूह के माध्यम से लोन भी दिए गए, जिनमें उन्होंने अपनी खुद मशीनें अपने गाँव में स्थापित की और उन मशीनों का निर्माण ही मिस्टर चौहान ने नई तकनीक और नई अपने अनुभव के आधार पर उसका अपग्रेड करते हुए उन मशीनों का निर्माण किया और उन महिलाओं के बीच में उनको पहुंचाई, जो आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। यह मेरी सबसे छोटी बेटी है शोभना, जो अभी मतलब यहाँ का काम यही देखती है और यही संभालती है और इसकी दोने बनाने की प्रैक्टिस इतनी है कि 1 घंटे में 8 पैकेट तैयार करती है, फर्स्ट क्लास दोने और मशीन सेटिंग और मशीन रिपेयरिंग टोटल ये करती है। छोटी बेटी है किरण चौहान, जो कि BSc कर रही है और इनके ऊपर हमने बैंक से लोन किया है 70,000 रुपये का। मेरी प्रेरणा स्रोत ही जन शिक्षण संस्थान है, वरना मैं तो एक कोने में उज्जैन के अंदर एक कोने में बंद था। तो जन शिक्षण संस्थान यानी एक दूरबीन की तरह मेरे पास आई और मुझे उठा के थोड़ा सा ऊपर लाई और आज ये पोजीशन है कि लोग मुझे दूर दूर से इंदौर से महू से और रतलाम तक से ढूंढते हुए आते हैं और जो बाहर की मशीनें आई हैं वो अगर ख़राब हो जाती है, नहीं चल पाती है, तो लोग मेरे पास आते हैं और उनको मैं उनकी तकलीफ़ें दूर करता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार मालवीय, मैं पहले ठेला चलाता था, उसके बाद मुझे श्री चौहान जी मिले, ये हमारे रिलेशन में हैं। इन्होंने जो वहाँ पे उद्योग खोल रखा था जहाँ पे ये सिखाते थे जन जो भी है वो मैं पढ़ा लिखा था उन्हीं, इन्होंने जो भी उद्योग खोला था वहाँ पे मैंने यहाँ ये दोने बनाने का काम सीखा और इन्होंने फिर मुझे एक मशीन दी जो कि किस्त से दी इन्होंने, जो कि मैं 500 रुपये महीने से इनको जमा करता रहा और आज मैं 2,500 रुपये इसमें कमा लेता हूँ महीने के। इसमें तो हमारा थोड़ा गुजारा हो जाता, घर गुजारा। ये दोने बनाते थे चौहान साहब के ने, मतलब फायदा का काम हुआ। पहले हम हाथ के बनाते थे, तो हाथ के बना के फिर अगरबत्ती बनाई, तो अगरबत्ती में फायदा नहीं हुआ तो फिर हमने मशीन के बनाने लग गए, तो मशीन के में फायदा हो रही है हमको। वो सिखाया जो जानकी लाल भाई साहब ने, उन्होंने सिखाया था। हम उनके ना कारखाना था पहले, तो उनके ना बनाने जाते थे, हम जाते थे उनके यहाँ, वो मशीन भी उन्होंने दी, वो मशीन भी उन्होंने दी। तो आशा करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आप सबको भी प्रेरणा मिलेगी कि आपके आसपास जो लोग रोजगार पाने की इच्छा रखते हैं वो शिक्षा के बाद कुछ ना कुछ व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सेज जन शिक्षण संस्थान से कर सकते हैं, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल सके। और इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।